चलिए फटाफट आपको वाराणसी लिए चलते हैं, वहां पर ज्ञानेंद्र मेरे सहयोगी मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, वाराणसी के लोग क्या कह रहे हैं, ज्ञानवापी के आसपास जो लोग हैं उनका क्या कहना है इस फैसले को लेकर? देखिए शोभना, अब तक तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद सब कुछ थम गया था। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर क्या होगा और क्या अब सुप्रीम कोर्ट ही सारा फैसला सुनाएगी, इस बात को लेकर बनारस के लोग चर्चा करने लगे थे। लेकिन जो वरिष्ठ सहयोगी मेरे निपुण बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 23 तारीख को जब एक बार दोबारा बनारस कोर्ट सुनेगी, सुनवाई होगी, अलग अलग याचिका जो लगी हैं, रिपोर्ट पेश हो चुकी है, उस पर कोर्ट परीक्षण करेगी और उसके बाद जो कि कानूनी सलाहकारों से हम लोगों ने बात की थी, इससे पहले भी लगातार एबीपी न्यूज़ कर रहा है, तो इसका मतलब साफ साफ कि वादी प्रतिवादी जिसको आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रतिवादी को दिया जाएगा कि ये रिपोर्ट है आप इसमें, मतलब वो जो प्रक्रिया रुक गई थी, साधारण शब्दों में मैं कहूं, बनारस के लोग जो ये थे, दो दूर दूर से लोग आ रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ कॉरिडोर, बाबा विश्वनाथ के जो अगल बगल का माहौल जो चल रहा है और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो सर्वे हुआ है, आखिर क्या वो सब कुछ रुक जाएगा, थम जाएगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट के एक टिप्पणी के बाद यह साफ हो गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। 23 तारीख को जो याचिकाएं लगी हैं उनमें सुनवाई होगी, चाहे वो वजूखाने का मसला हो, चाहे वो दीवार का मसला हो और चाहे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर रिपोर्ट सबमिट करने का मसला हो। तो ये पूरे मामले में आज सबसे बड़ी खबर ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिला जज सुनवाई करेंगे और इसके अलावा न्यायालय जो फैसला देगी उसके आधार पर वो रिपोर्ट सबमिट, विशाल सिंह ने जिस तरह से विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है, एबीपी न्यूज ने कल बहुत विस्तार से बता दिया था शोभना, और ये दिखा दिया था कि उनके रिपोर्ट में कौन कौन से हिंदू देव। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और आपको रोक रही हूँ मैं क्योंकि निपुण सहगल कुछ अपडेट देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से। आइए निपुण, आप बताइए। जी निपुण, बिल्कुल देखिए, ये जो हमारे सहयोगी बता रहे थे इसमें थोड़ा सा मैं संशोधन करना चाहूंगा। ये कह रहे थे कि 23 तारीख को सारी सुनवाई होगी, अब जो सीनियर डिवीजन के जो सिविल जज हैं वो मामला नहीं सुनेंगे, जितने भी आवेदन हैं वो जाएंगे जिला जज के पास, और चूंकि अब ये सारे आवेदन जिला जज के पास जाएंगे, जिला जज को ही तय करना है कि सुनवाई की तारीख क्या होगी और किन बातों को वो प्राथमिकता के आधार पर सुनेंगे, यानी कोई दीवार को गिराने का मसला है या वजू खाने को खोलने का मसला, ऐसी जो भी चीजें हैं उसकी बजाय चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्राथमिकता तय कर दी है कि जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है मेंटेनेबल नहीं है, सबसे पहले उसको सुनिए, तो निश्चित रूप से जिला जज इसी बात को, इसी पहलू को सबसे पहले सुनेंगे। लेकिन अब जो भी सुनेंगे जिला जज सुनेंगे और सुनवाई की तारीख भी वही तय करेंगे। सिटी जानिए, कोरिया सिटी, हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है, प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।